बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है खतीजा की रसोई में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की रसोई में हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाले हैं, यह बीफ यखनी पुलाव है। बिल्कुल आसान तरीका है, नया तरीका है। तो इससे पहले भी हमने आपके साथ यखनी पुलाव शेयर किया हुआ है, मटन यखनी पुलाव। अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखा हो अभी तक, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो प्रोसेस भी देख लीजिएगा। और बिल्कुल ये प्रोसेस भी देखना, बिल्कुल आसान है, आप आसानी से इसे बना सकते हैं कभी भी। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन रहेगा उसको ज़रूर से दबाना, तो उससे आपको हमारे रेसिपी का हर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और शेयर करना। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसका प्रोसेस। तो सबसे पहले हम मीट डाल रहे हैं कुकर में। तो 1 kg मीट हमने लिया है बड़े का। तो हम यहाँ पे एकदम सादा मीट नहीं लिया है, ये फैट और हड्डी के साथ मिक्स है। तो आप इसकी जगह मटन का भी मीट ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें एक छोटा प्याज डालेंगे, पतला पतला कट करके, इस तरह लंबा लंबा कट करके हम इसमें डाल रहे हैं प्याज। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रहे हैं, तो 3 चम्मच हम यहाँ पर डाल रहे हैं। तो बड़े का गोश्त है तो इसमें मसाला थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे, तो 1 चम्मच हरी मिर्च है, क्रश पिसा हुआ है, एकदम पेस्ट नहीं है ये। अब कुछ खड़े गर्म मसाले हैं, तो यहाँ पे 4 से 5 छोटे छोटे दालचीनी का टुकड़ा है, 2 बड़ी इलायची है, 1/2 चम्मच ज़ीरा हमने लिया है, ये 8 लौंग है, और छोटा 1/2 चम्मच यहाँ पे ब्लैक पेपर हमने लिया है। तो इसे हमने डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे तेज़पत्ता, तो 4 तेज़पत्ता है, धोकर हम डाल रहे हैं। तो डस्ट लगा होता है तो हमें धो के इस्तेमाल करना है। अब हम इसमें सौंफ और धनिया का पाउडर डालेंगे। तो सौंफ और धनिया को हमने पीस लिया, तो ये जो चम्मच है ना खाने का, तो ये 3 चम्मच सौंफ हमने लिया था और इसी चम्मच से 2 चम्मच हमने धनिया लिया था। तो पाउडर हम डाल रहे हैं अभी फ़िलहाल, इसमें 2 चम्मच पाउडर डालेंगे हम धनिया और सौंफ का, तो इससे खुशबू अच्छा आएगा पुलाव में। ये नमक हम डाल रहे हैं 2 चम्मच, 2 चम्मच हम बीस में डाल रहे हैं, फिर बाद में हमें चावल में भी डालना होगा। और ये जो जार में हमने मसाला पीसा था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसमें डाल रहे हैं, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, पूरा मसाला मिर्च के साथ अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। फिर हम इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा ही पानी हमें डालना है। जो चम्मच से हम मिक्स कर रहे हैं, स्टर कर रहे हैं, उसमें जो मसाला लगा हुआ है तो उसे बस छुटाने के लिए थोड़ा सा पानी हम इसमें डालेंगे बाद में, ठीक है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमें। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बस देखिए थोड़ा सा पानी हमें डालना है, तो बस इसे अब हम हाई फ्लेम पे चढ़ा देंगे। तो इसका ढक्कन बंद कर देते हैं, जब तक सीटी नहीं आता इसे हम हाई फ्लेम पे रहने देते हैं। तो इसमें देखिए सीटी आ चुका है, तो इसका फ्लेम हम लो कर देंगे। तो लो फ्लेम पे हमें इसे 25 मिनट तक पकाना है, ठीक है, 25 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। तो आप देख लीजिए आपका प्रेशर किस हिसाब से है, या फिर आप किस टाइप का मिर्च लिए हैं उस हिसाब से आप इसे प्रेशर कुक कर लीजिए 25 मिनट तक लो फ्लेम पे। तो यहाँ 25 मिनट हो चुका है, हमने इसका फ्लेम बंद कर दिया है, तो इसको ढक्कन हम अभी नहीं खोलेंगे जब तक इसका स्टीम अपने आप नहीं निकल जाता, इसे हम इसी में रहने देंगे। तो यहाँ दूसरी तरफ हमने पतीले को चढ़ा दिया है, इसमें हम 2 कलछी तेल डाल रहे हैं भर के। तो इसमें हम आलू को फ्राई करेंगे पुलाव में डालने के लिए। तो चम्मच जो गहरा वाला होता है ना गोल, वो चम्मच हमने लिया इस तरीके से, तो 2 चम्मच हमने डाला है। तो तेल यहाँ पे गरम हो चुका है, अब हम इसमें आलू डालेंगे। तो 4 आलू हमने लिया था, इसे हमने टुकड़ों में 4 टुकड़ों में कट किया है 1 आलू को। तो आलू की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इसे हम सुनहरा होने तक फ्राई कर लेते हैं, तो हाई फ्लेम पर हम इसे फ्राई कर रहे हैं। तो फ्राई करने से सोधापन आ जाता है आलू में। तो कुकर का जो भी ज़्यादा स्टीम था वो निकल चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें पानी कितना रिलीज़ हुआ है, जबकि हमने इसमें इतना पानी डाला नहीं था। तो ये जो एक्स्ट्रा पानी है इसे हम रिड्यूस करेंगे, तो हम इसे जलाकर ज़्यादा खुश्क नहीं करेंगे, थोड़ा पानी इसी में हम रहने देंगे। तो इसे हम हाई फ्लेम पर रख देते हैं रिड्यूस के लिए। तो आलू देखिए सुनहरा हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो सारा आलू हमने निकाल लिया। तो अब जो तेल में हमने आलू फ्राई किया था उसी तेल में अब हम स्पाइसेस डालेंगे। तेल बचा हुआ है तो इसमें हम सबसे पहले तेज़पत्ता डालेंगे। तो 3 तेज़पत्ता हमने डाला, तो धोकर ही हम यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं। तो इसे थोड़ा तेल में फ्राई कर लेते हैं।
अब हम इसमें छोटा आधा चम्मच ज़ीरा डालेंगे, तो इसे भी थोड़ा अच्छे से स्टर कर लेते हैं ताकि इसका जो फ्लेवर है रिलीज़ हो जाए ऑयल में। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, तो 3 मीडियम साइज प्याज को हमने स्लाइस में कट किया है, इस तरह पतला पतला कट किया है। तो सारा प्याज हम इसमें डाल देते हैं। तो प्याज को हमें सुनहरा होने तक फ्राई करना है, प्याज को भी हाई फ्लेम हमने रखा है, हाई फ्लेम पे जल्दी ब्राउन कलर इसमें आएगा। तो यहाँ प्याज देखिए सुनहरा हो रहा है, तो इसे 2-3 मिनट और हम सुनहरा कर लेंगे, तो स्टर करते हुए फ्राई करेंगे। तो इस स्टेज पे थोड़ा सा प्याज हम निकाल के अलग प्लेट में रख लेंगे ताकि गार्निशिंग के वक्त काम आए, बाकी ये प्लेट में रखे रखे अपने आप और सुनहरा हो जाएगा। तो बाकी का प्याज हम साइड में कर देते हैं। तो इसमें हम डालेंगे अब जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो 6 चम्मच हमने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, क्योंकि जो ग्राइंडिंग जार में हमने मसाला पीसा था उसी ग्राइंडिंग जार में थोड़ा सा पानी डाल के हमने निकाला था, तो इसलिए क्वांटिटी इसमें टोटल 6 है। तो मसाले का जो कच्चा स्मेल होता है ना वो ख़त्म होने तक हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, तो हाई फ्लेम पर ही हमें फ्राई करना है मसाले को। तो थोड़ा सा पानी हम इसमें डाल रहे हैं जार से, तो अच्छे से सब एक बराबर स्टर कर लेते हैं मसाले को ताकि सब अच्छे से फ्राई हो जाए। तो यह मीट में जो ज़्यादा पानी रिलीज़ हुआ था उसे हमने रिड्यूस कर दिया है, तो हमने इसे पूरा खुश्क नहीं रखा है। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा पानी और इसका जो चर्बी था ना मीट का वो थोड़ा मेल्ट होके पानी और चर्बी दोनों मिक्स है, तो यही टेक्सचर हम रख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पानी को रख दिया है गर्म होने के लिए, तो 6 ग्लास पानी हमने रखा है। तो चावल हम 1.25 kg ले रहे हैं, यानी 3 ग्लास चावल है, ठीक है 3 ग्लास चावल है, तो हमने 6 ग्लास पानी लिया उसका डबल। बाकी आप और गीला टेक्सचर चाहते हैं पुलाव में तो आप अपने हिसाब से थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अदरक लहसुन भी देखिए अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे, तो 2 चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं हरी मिर्च। तो जितना तीखा आप पसंद करते हैं आप अपने हिसाब से इसमें हरी मिर्च डाल सकते हैं। तो हरी मिर्च को भी हम अच्छे से भून लेते हैं। तो यहाँ पे हरी मिर्च भी देखिए अच्छे से भुन चुका है, फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें मीट डालेंगे, तो ये मीट हम इसमें डाल रहे हैं, तो इसे हमने पूरा खुश्क नहीं किया, तो थोड़ा पानी इसमें है। तो ये डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्राई करना है हमें ताकि मीट है और वो मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फ्लेम को हमने हाई रखा है, तो इसे 1-2 मिनट हम हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है यखनी पुलाव बनाने का, तो आप ये प्रोसेस ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आसानी से बन जाता है ये वाला पुलाव। तो बस इसे अच्छे से हम स्टर करते हुए फ्राई कर लेते हैं ताकि गोश्त जो है मीट वो अच्छे से फ्राई हो जाए तेल में और फ्लेवर अच्छे से आ जाए मसाले का। ये जो आलू को हमने फ्राई किया था ये भी हम इस वक्त डाल देंगे इसमें ताकि आलू भी इसमें अच्छे से पक के गल जाए। तो इसे भी हम फ्राई कर लेते हैं आलू को भी मसाले के साथ। और यहाँ पे हम दही डाल रहे हैं, तो 180 ml हम यहाँ पे दही डाल रहे हैं, तो मिक्स करेंगे अब। तो नॉर्मल दही है, ज़्यादा खट्टा दही नहीं है क्योंकि हम इसमें नींबू भी डालेंगे। तो इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से कट को मीट के साथ आलू के साथ। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, तो ये होममेड गरम मसाला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। 1 चम्मच हम ले रहे हैं फ्रेश होममेड गरम मसाला, फ्रेशली हमने इसे पीसा है। और ये धनिया और सौंफ का जो पाउडर हमने बनाया था ये 1 चम्मच भर के हमने डाला है इसमें। तो अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। तो पुलाव में है ना ये सौंफ और धनिया का ही मेन खुशबू रहता है यखनी पुलाव में भी, और इस प्रोसेस जो हम बना रहे हैं इसमें भी। तो उसमें हमने पूरा अखा डाला था, इसमें हम पीस के पाउडर बना के डाल रहे हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें नींबू निचोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम 2 नींबू निचोड़ेंगे। तो जितना खट्टा आप पसंद करते हैं आप अपने हिसाब से नींबू इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो जो दही हमने डाला था वो ज़्यादा खट्टा नहीं था इसलिए। और यहाँ पे हम 4 टमाटर डाल रहे हैं कटा हुआ, तो ये मीडियम साइज़ का टमाटर हमने लिया था 4 डे, ठीक है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं टमाटो को भी। टमाटो को हमें इसमें ज़्यादा वैसे गलाना नहीं है, टमाटो का जो चंक्स हमें आएगा वो अच्छा लगता है पुलाव में, तो हम इसको ज़्यादा नहीं गलाएंगे, ठीक है। और ये हरी मिर्च हमने लिया है, अखा हरी मिर्च हम ले रहे हैं, हम इसे चीड़ नहीं रहे,
अखा पांच टे हमने ऐसे ही डाल दिया है, चिड़ेंगे तो और तीखा हो जाएगा कि ऑलरेडी हमने पेस्ट यूज़ किया है। और ये मिंट और कोरिएंडर लीव्स मिक्स है जो हम चॉप करके इसमें डाले हैं एक मुट्ठी जितना, तो इससे खुशबू आएगा मिंट का और कोरिएंडर लीव्स का। तो अच्छे से बस मिक्स करेंगे इसे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और यहाँ पे पानी भी हमने जो रखा था गर्म होने के लिए ये भी गर्म हो चुका है, तो इसे हम इसी में डाल देते हैं। तो हमें इसमें उबाल लाना है, तो पानी क्योंकि पहले से गर्म था तो समय नहीं लगेगा उबाल आने के लिए, तो इसे एक बार हम अच्छे से स्टर कर लेंगे ताकि सब अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। तो बस जब तक इसमें उबाल आता है तब तक हम इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पे हमने पौना के जी चावल लिया जो हमने धो के रखा है, ये नॉर्मल जो रेगुलर चावल हम यूज़ करते हैं वही हम ले रहे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि बासमती राइस ही हो, आपके पास जो भी चावल अवेलेबल हो आप उससे बना सकते हैं, ठीक है। तो पौना के जी चावल है ये। और यहाँ पे देखिए पानी में भी अच्छे से उबाल आ चुका है, तो हम इसे इसी तरह 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे ताकि टमाटो का जूस पानी में उतर आए और आलू भी अच्छे से गल जाए। और हम यहाँ पे 2 चम्मच नमक डाले हैं क्योंकि 2 चम्मच हमने मीट में डाला था, 2 चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं चावल के हिसाब से, बाकी आप अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट हो चुका है इसे पकते हुए, अब हम इसमें डालेंगे चावल, तो सारा चावल हम इसमें डाल देते हैं। तो सारा चावल हमने डाल दिया, अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सब पानी में एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए चावल आलू और मीट टमाटो। अब हम इसे उबाल आने तक पकने देंगे, तो फ्लेम को हमने हाई रखा है तो इसका ढक्कन हम बंद कर देते। तो उबाल आ चुका है अच्छे से, हमने इसका फ्लेम मीडियम कर दिया है, तो हमें बीच बीच में स्टर करते रहना है, ठीक है, नहीं तो पानी जैसे सोखता जाएगा वैसे कहीं आलू रह जाएगा तो कहीं मीट रह जाएगा, तो मसाला ठीक से मिक्स नहीं होगा, तो इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी देर में इसे मिक्स करते रहना है। तो पानी चावल में देखिए सोख रहा है, तो एक बार हम इसे अच्छे से स्टर करके मिक्स करके फिर हम इसे तवे पे रखेंगे दम के लिए। तो फिलहाल हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं नीचे से ऊपर ताकि सब चावल में मसाला मिक्स हो जाए। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसे दम पे रखेंगे, लेकिन दम पे रखने से पहले हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे चॉप कोरिएंडर और चॉप मिंट लीव्स, तो इससे खुशबू अच्छा आएगा। और जो प्याज हमने फ्राई करके रखा था ब्राउन करके, इसके ऊपर से हम अब ऑनियन को स्प्रिंकल करेंगे। तो ये फ्राइड ऑनियन इसके ऊपर हमने स्प्रिंकल कर दिया, तो इसका ढक्कन बंद कर देते हैं। तवा पहले से गर्म था तो इसे हम दम पे रखेंगे स्लो फ्लेम पे एकदम आधे घंटे के लिए, ठीक है। तो एकदम लो फ्लेम पे आधे घंटे के लिए दम पे होने देंगे, तो इससे चावल और एकदम नरम सॉफ्ट हो जाएगा, आलू भी गल जाएगा, हमारा जो मीट है वो भी अच्छे से पक जाएगा, तो इसे बस पकने देते हैं। तो यहाँ हमारा देखिए यखनी पुलाव जो है ये तैयार है। तो पूरे 30 मिनट तक हमने इसे दम पे रखा था तवे पे, तो चावल अच्छे से पक चुका है, मीट और आलू भी अच्छे से पका है, और चावल आप देख सकते हैं फ्रा रहा है, एकदम गीला भी नहीं है। तो बस इसकी प्लेटिंग हम कर रहे हैं, तो ऊपर से हम स्प्रिंकल कर रहे हैं कोरिएंडर लीव्स। तो हमारा जो बीफ पुलाव है यखनी वाला बिल्कुल अलग स्टाइल में, एकदम इसी प्रोसेस से आप इसे ज़रूर ट्राई करना। तो रोज़मर्रा भी जैसे खाना हो तो आप इसे बना सकते हैं, वही रेगुलर चावल से ही हमने बनाया है तब भी अच्छे से फ्रारा बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही मज़े का बना है ये पुलाव, आप ज़रूर ट्राई करना। और अगर आप किसी दावत में बना रहे हो या फिर कोई स्पेशल ओकेशन पे बना रहे हो तो आप इसकी जगह बासमती राइस ले सकते हैं या फिर कोई भी चावल से आप बना सकते हैं। तो अगर आपको ये इजी वर्जन वाला यखनी पुलाव की रेसिपी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करना, और हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको यह रेसिपी कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे ज़रूर से दबाइएगा, तो उससे आपको हमारी रेसिपी का हर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो हर बार की तरह इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी अगली रसोई में फिर से कोई नई रेसिपी लेकर के, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।